सीरियल ध्रुतारा में आया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां तारा दरबार में लेकर आती है बाल गोपाल की मूर्ति और उनका झूला और साथ में बैटरी भी, जिससे वो झूला ऑटोमेटिक चलता था, लेकिन अब वो खराब हो गया है। तारा के हाथ में वो बैटरी देखकर महाराज तारा से कहते हैं कि मुझे याद है कि ये बगदाद बैटरी वाला झूला मैंने आपके लिए लिया था। तो ये तो छोटे झूले वाले खिलौने का हिस्सा है जो स्वचालित था, अपने आप झूलता था, हमें याद है, हम आपके लिए फारा से लाए थे। लेकिन अब तो ये खराब हो गया है, जिसके बाद ध्रुव उस बैटरी को अपने हाथ में लेकर सबसे कहता है कि वो इस बैटरी को चालू कर सकता है। ध्रुव बैटरी को चलाने के लिए कुछ लिक्विड मंगवाता है और फिर वो लिक्विड उसमें डालता है और फिर बैटरी को कान्हा जी के झूले के साथ कनेक्ट करता है। ये देखकर सेनापति पहले तो बोलता है कि आप नाकामयाब हुए, ये बैटरी नहीं चली, लेकिन फिर जिसे देखकर तारा और ध्रुव थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन फिर अचानक वो बैटरी चलने लगती है। जिसके बाद ध्रुव और तारा होते हैं बेहद खुश और सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर तारा सबके साथ मिलकर बोलती है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ इस सीरियल में दिखा एक और ट्विस्ट, जहां महाराज के सामने होती है सेनापति और लोहार के बीच एक अनोखा कॉम्पिटिशन। और इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा वो महल के अंदर आकर बैटरी के लिए करेगा काम। दरअसल इस कंपटीशन की पहल की है खुद तारा ने और फाइनली इस कंपटीशन में सेनापति हार जाता है और लोहार जीत जाता है, जिसे देखकर तारा बेहद खुश होती है। वहीं दरबार में महाराजा सुनाते हैं अपना फैसला कि चूंकि सेनापति हार गए हैं और लोहार जीत गया है, इस प्रतियोगिता में आप पराजित हैं, अब कुल के भेदभाव को भुलाकर ऊंचा शोध को महल के भीतर बनाने का कार्य प्रारंभ हो। तो अब लोहार को बैटरी पर काम करने के लिए महल में आने की इजाजत है, जिसके बाद सेनापति काफी गुस्से में नजर आता है।